Picture, picture. Group. अरे रुका दीजिए. हाँ अरे पीछे पीछे आपके. ये डंडा डंडा तू. अरे डंडा तू. पीछा ना तू. तू पीछा ना. अबे क्या अबे पीछे. हाँ वायर वायर अभी और पीछे थोड़ा पीछे रखना है. तू मारना थोड़ा पहले. तो तेरा हाथ आ गया. आया गया तू. सबसे पहले राजन परिवार को कांग्रेचुलेशन. परफेक्ट एक्ट. वायर लेना और वायर और वायर लेना. नीचे बैठ जाएगा सीधा ले सर. और खुशी की बात यह है कि आज एक अवार्ड फंक्शन में हमें 17 अवार्ड मिले डीकेपी और शाही प्रोडक्शंस एंड सारी स्टार कास्ट को मिला. सारी राइटिंग डायरेक्टर्स एवरीबडी वर पार्ट ऑफ द यू नो द 3 अवार्ड ऑफ बेस्ट कंटिन्यूटी बेस्ट सीरियल बेस्ट प्रोडक्शन एंड इंडिविजुअल अवार्ड. खुशी होती है कि जो टीम साथ में मेहनत करती है प्रे भी करती है और जब एक एक्नॉलेजमेंट ऐसा मिलता है और होता है कि हम और मेहनत करेंगे और साथ में मेहनत करेंगे और ये टीम वर्क बढ़ाएंगे. सो थैंक यू टू द एंटायर टीम एवरीबॉडी. यस आप लोग एक एक मैम. रूपाली जी आप बोलिए. रूपाली जी आप स्टार्ट करो. रूपाली जी माइक के पास. रूपाली जी दो शब्द क्या बोलते हैं. अच्छा लगता है जब सिर्फ एक जन करे पूरी टीम को बहुत मिलता है. और ये हमेशा कहते हैं कि जब ये अनुपमा परिवार नहीं है या ये रिश्ता क्या कहलाता है ये परिवार नहीं है बल्कि ये डीकेपी शाही प्रोडक्शन आयशाही परिवार है. दीपा शाही जी की ब्लेसिंग के अंडर हम सारे पनप रहे हैं और आज उनको 17 अवार्ड मिलने जा रहे हैं तो बहुत अच्छा लगता है. इतनी टीम थी फॉर आर टीम. लेकिन जो रेकग्निशन जो प्यार भी मिल रहा है इनके शो में तो आज तक कभी नहीं मिला. वाणी जी ने क्यों बोला उसने. मैं बस थोड़ा सा यही जोड़ना चाहता हूँ कि मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि राजन सर जैसा स्टोरी टेलर मेरे करियर में अभी तक नहीं आया था. एंड आई एम वेरी लकी कि उन्होंने मुझे चुना इस किरदार के लिए. और मैं हमेशा कहता हूँ कि ये कैसे जोड़ी है जिन्हें इनको पता है कि कौन सा कोयला हीरा बन सकता है. और हम सब आपके सामने आज इसलिए यहाँ खड़े हैं क्योंकि इनकी नज़र हम पे थी जब ये वो कैरेक्टर सोच रहे थे. एंड आई थिंक हम सभी वैसे अपने किरदार के लिए नहीं कह रहा हम जितने लोग हैं जितने भी शोज हैं इनके हर किरदार अगर आप देखेंगे तो ऑडियंस के दिमाग में उस एक्टर के अलावा और कुछ नहीं होता. तो इनकी जो कास्टिंग है जो सोच है जो एक खुलापन देते हैं एक्टर को कि आप खुद जाके परफॉर्म कीजिए ये मेरी स्टोरी लाइन है आई एम देयर बिहाइंड यू एंड आई थिंक दैट इज़ व्हाट एन एक्टर नीड्स. सो थैंक यू सो मच सर. एंड आई नो इट्स आई थिंक जितना थोड़ा बहुत काम मैंने टीवी पे किया है मैंने इस तरीके की फ्रीडम क्रिएटिव फ्रीडम अगर मैं बोलूँ हम अपने किरदार को लेकर उनसे डिस्कस कर सकते हैं बात कर सकते हैं. एंड बीइंग सच अ बिजी मैन यू नो इतने सारे शोज इतनी सारी चीज़ें हैंडल करना आप हमेशा देखेंगे राजा सर हमेशा हंसते रहते हैं इंटरव्यू में कभी टेंशन नहीं है कुछ नहीं है. ऑफकोर्स होती होगी बट द वे ही कम्स अक्रॉस टू अस इज फैंटास्टिक एंड ऑल थैंक्स टू हिम दैट वी आर हियर. थैंक यू सो मच. और हम इसलिए नहीं कह रहे हैं क्योंकि हम इनका शो कर रहे हैं जेन्युइनली इतने सालों में राजन शाही जैसे इंसान का भी देखे जो इतने ट्रांसपेरेंट है इतने हर एक एक्टर चाहे कितना ही छोटा कर रहा है हर एक के लिए राजन जी एक्सेसिबल है. एंड व्हाट अ फैंटास्टिक थिंग.
Very good people, I've done very good shows, but today at the stage I am with a, this is nine. But what a run, yaar, what a run. Aur jo matlab ek hota hai na ki aap, main pehle din, mujhe abhi bhi yaad hai, pehle din gaya tha, sir ne mujhe samjhaya tha, and then we had a mock shoot. Mock shoot ke din sir ne clear kar diya tha. अभी बीच में थोड़ा सा और परेशान होता सर ने, तो तुम मुझसे मिल के आया था ना, तुम मुझसे मिल गया. वन थिंग विच इज नाइस अबाउट हिम इज ही इज वेरी अप्रोचेबल एंड ही गिव्स यू द फ्रीडम, गिव्स यू द फ्रीडम टू गो एंड डू, यू नो ही डजंट स्टॉप यू. और एक्टर को और क्या चाहिए, कैनवस दिया हुआ है इतना, मतलब देयर आर पीपल, देयर आर कोरियोग्राफर्स, मतलब पूरा आता कुछ नहीं है, दिखता है वहां पर सब कुछ, बिकॉज दे वर्क सो हार्ड ऑन. पढ़ना ले जाओ. देवराज साहब, तो शुरू से जब मैं डायरेक्टर था, स्टार्ट किया आपका पहला शो 99, तब से देवराज साहब के और रितु जी के सारे कॉस्ट्यूम, यू नो, हर कंपनी में, हर शो इंडस्ट्री में एक्चुअली 90% इनके ही, 99.9% सर के कॉस्ट्यूम स्टाइलिंग सब जाते हैं. तो फर्स्ट डे एज अ डायरेक्टर से एवरी शो एज अ प्रोड्यूसर देवराज साहब और रितु जी ने, यू नो, हमेशा सपोर्ट किया, रितु डिजाइन ने, सो थैंक यू. और एक हमारे कैप्टन ऑफ द शिप रोमेश जी, हर शो जो मेरा उनके साथ आई थिंक मोर देन 25 ईयर पुराना कोशिश है, चाहे विदाई से तक करना हो, वन फॉर माई रिश्ता, बहुत अपनी शो का कैप्टन ऑफ द शिप. And Ranjit ji, I've been cast as Vivek, who's a major producer, and Sunil, the entire team, Ramesh. बस मैं ये कहूँगा कि सबसे टॉप पे होता है वो, जैसा होता है ना अपने आप में नीचे फ्लो डाउन होती है, तो राजन जी की एनर्जी ऐसी है कि वहाँ से पास ऑन होकर नीचे स्पॉट पर तक वो एनर्जी जाती है, इसीलिए सबने आप इतनी बॉन्डिंग देखेंगे, इतना प्यार देखेंगे. और मेरे लिए तो ये मेरा भाई बोल दीजिए, मेरे गॉड फादर बोल दीजिए, मेरे गार्जियन बोल दीजिए, माई फर्स्ट फ्रेंड एंड माई ब्रदर इन मुंबई. थैंक यू सो मच राज जी फॉर गिविंग मी सो मच लव, शायद आप ये फ्लो डाउन होते हैं जिसकी वजह से इतना कुछ कर पाते हैं. थैंक यू, गॉड ब्लेस अस ऑल द टीम, ऑल द एक्टर्स, थैंक यू. हमारे दोनों स्टार्स बच्चे, ये आर द वन टू वन, छोटू एंड छोटी. नहीं, आप बोलते रहिए.